हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो कलर का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बना के दिखाती हूँ। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, बच्चों के स्वेटर में, कोटी में, कार्डियन में। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 के मल्टीपल फंदे और उसमें हमें एक फंदा और जोड़ देना है। आपको 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए, उसमें एक फंदा और जोड़ देंगे तो आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल ठीक से बन के आएगा। तो आप अपने पहले फंदे डाल लें, बॉर्डर बना लें और उसके बाद में देखिए जो हमारे पैटर्न की ये जिससे हमने बॉर्डर बनाया उसी कलर से हम पहली सलाई बनाएंगे। ये देखिए पहली सलाई हमें सीधी बनानी है इस तरह से। पहली सलाई हम इस तरह सीधी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पहली सलाई इस तरह सीधी बनाने के बाद में उल्टी सलाई पे आते हैं तो इसको भी हमें इस तरह से बनाना। देखिए इसको भी सीधी ही सलाई की तरह बुनना। देखिए इस तरह से दूसरी सलाई, उल्टी सलाई, इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये उल्टी सिलाई थी उसको भी हमने सीधी सिलाई की तरह बनाया। अब हम आते हैं तीसरी सिलाई पे। तो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो बनना शुरू होता है। यहाँ पर हम लगाएंगे दूसरे कलर की ऊन, दूसरा कलर है वो हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए शुरुआत के जो दो फंदे हैं इनको हम इस तरह से बना लेंगे सीधा। दो फंदों को हमने सीधा बुना। देखिए ये एक फंदा है, इसको हम बिना बुने इस तरह से ही उतार लेंगे। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 3 फंदे सीधे। तीन फंदे सीधे, फिर देखिए एक फंदा ये है, इसको हमने बिना बुने उतार लिया और 3 फंदे फिर सीधे। एक फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे सीधे, बिना बुने फंदा उतारा, 3 फंदे सीधे। देखिए बिना बुने उतारा और ये साइड में 2 फंदे रह गए, इनको भी हम सीधा ही बना लेंगे। 3 सलाइयाँ हो गई हैं। चौथी सिलाई पे आते हैं। देखिए ये सिलाई भी हमें इसी तरह से बनानी है, सीधी सिलाई, 2 फंदे सीधे, ऊन को अपनी साइड किया और ये फंदा बिना बुने उतारा, ऊन को पीछे से किया और ये देखिए 3 फंदे इस तरह से सीधे, ऊन अपने साइड की और ये बिना बुना फंदा था इसको उतार लिया पीछे की, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे की, 3 फंदे सीधे। चौथी सलाई, पांचवी सलाई, ये देखिए साइड वाले 2 फंदे सीधे और इस फंदे को उतार लेना ही है। फिर से ये 3 फंदे सीधे, पांचवी सलाई है और ये देखिए इसको भी उतार लेना है। पांचवी सलाई को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। छठी सिलाई पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये छठी सिलाई भी हमें इसी तरह से बनानी, ये 2 फंदे सीधे, ऊन अपनी साइड की और ये फिर 3 फंदे सीधे। छठी सिलाई, फ्रेंड्स देखिए ये 6 सलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद में हमारा डिज़ाइन यहाँ तक इस तरह से बना है। अब आगे की किस तरह से बनाई डिज़ाइन बनेगी हमारी, ये देखिए
ये जो दूसरा कलर है इसको हम लगाएंगे, तो देखिए ये साइड के एक दो और तीन और देखिए ये चार फंदे हैं। ये देखिए ग्रीन कलर से हो गए। अब देखिए जो तीन फंदे थे इनका ये बीचों बीच वाला फंदा, इसको हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे और देखिए एक ये पीला फंदा, एक ग्रीन और ये तीनों फंदे हैं, पीला हरा और पीला। इन तीनों फंदों को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। देखिए ये बीच वाला फंदा है इसको उतार लेंगे और इन तीनों फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए अब देखिए हमारे यहाँ पहले शुरुआत में यहाँ पे दो फंदे साइड में थे, अब हमारे यहाँ पे चार फंदे हो गए। देखिए उल्टी सिलाई, देखिए अब चार फंदे इस तरह से सीधे बनाने हैं, उनको अपनी साइड किया और पीला वाला फंदा बिना बुने उतार लिया। अब ये तीन फंदे सीधे बनाए और इसको बिना बुने उतार लिया और देखिए ये दो सलाइयाँ हो गई हैं यहाँ पे, तीसरी चौथी बना के दिखाते हैं। तीसरी सलाई इसको भी ये बुनने वाले फंदे को बुनेंगे और उतारा हुआ फंदा है उसको उतार लेंगे। तीसरी सिलाई, चौथी सिलाई पे आते हैं। चौथी सिलाई भी ये सीधी ही बनाई जाएगी। हमारे पैटर्न की चार ही सिलाइयाँ बुनने को हैं। जब हम पैटर्न को शुरुआत करते हैं तभी छह सिलाइयाँ हो जाती हैं। चार सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, बहुत प्यारा सा दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ तक ये चार सिलाइयाँ हो गई हैं कंप्लीट। और देखिए हमारा ये डिज़ाइन, अब हम जो दूसरा कलर है ये वाला कलर, अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये चार सिलाइयाँ हैं आपको रिपीट करनी है और चार सिलाइयों के बाद में कलर चेंज कर देना। देखिए फंदे चेंज कर दें जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से।
देखिए हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आएगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ किस तरह से दिखेगा ये। फ्रेंड्स देखिए हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, बच्चों के स्वेटर में, कैप में। फ्रेंड्स मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।